जब तक वो जिएंगे तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस मोदी को हटाना नहीं चाहती, कांग्रेस मोदी को मिटाना चाहती है। जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आज की जो कांग्रेस है ये रास्ते से भटक गई है। जितने वरिष्ठ नेता हैं सब राहुल गांधी की चंडाल चौकड़ी से दुखी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो 100 साल जिए। जब तक वो जिएंगे तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस मोदी को हटाना नहीं चाहती, कांग्रेस मोदी को मिटाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। युवराज का कोई भविष्य नहीं है, शहजादे का कोई भविष्य नहीं है, तो इसलिए ये मोदी को हटाना नहीं चाहते। ये तो कह नहीं पाते, ये तो मोदी को मिटाना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से गठबंधन कांग्रेस सपा बसपा इनका सबका था साथ में, अब दिल्ली के ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे करप्ट आदमी है, उन्होंने पिछले 12 साल में कुछ काम नहीं किया, तो किस बात की गठबंधन दिखता आपको सर इसी? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल इतने बुरे हैं और अरविंद केजरीवाल इतने निकम्मे हैं, तो फिर कांग्रेस उनके साथ समझौता करके क्यों चुनाव लड़ी? दिल्ली का लोकसभा चुनाव हुआ, एक मंच पे क्यों आए? जब तुम्हें अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत होती है तो अरविंद केजरीवाल सोने के हैं, तो बड़े अच्छे हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो अरविंद केजरीवाल बुरे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड है, उसी की वजह से, इसी दोगलेपन की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है कि ये दिल्ली में कुछ कहते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ कहते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ कहते हैं, राजस्थान में कुछ कहते हैं। ये कांग्रेस अब पार्टी थोड़ी रह गई है, ये तो लवर गट्टू की जमात रह गई है। हरियाणा के चुनाव हैं और अभी तक राहुल गांधी ने एक भी रोड शो हरियाणा में नहीं किया गया, ये हुड्डा जी क्यों? नहीं चाहते राहुल गांधी हरियाणा में रोड शो करें या ज़्यादा प्रोग्राम करें, क्योंकि हुड्डा जी को पता है राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार कर देते हैं। तो महाराष्ट्र में भी कहा गया है कि बीजेपी जो सरकार है उसने सारा बिजनेस सारा व्यापार गुजरात में शिफ्ट कर दिया। उधर ठाकरे कहते हैं अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, हमारी पार्टी आती है, तो हम गुजरात से सारा व्यापार धंधा सब महाराष्ट्र में लेकर आएंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को पहले ये सोच ये क्लियर करना चाहिए कि वो चुनाव के बाद किधर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो भाजपा के साथ थे, अब भाजपा के विरोध में हैं। जब वो भाजपा के साथ थे तो सारा सब कुछ अच्छा अच्छा था, अब भाजपा के खिलाफ हैं तो कहते हैं गुजरात में सब माल जा रहा है सब। तो सवाल है कि जब चुनाव के बाद वो भाजपा के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए। शरद पवार जी के साथ, कांग्रेस के साथ उनका ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, ये क्लियर करना चाहिए, तब उद्धव ठाकरे जी को कोई और बात करनी चाहिए। पहले ये तो साफ हो कि उद्धव ठाकरे जी चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे। लेकिन आज की जो कांग्रेस है ये रास्ते से भटक गई है। जितने वरिष्ठ नेता हैं सब राहुल गांधी की चंडाल चौकड़ी से दुखी हैं, सारे वरिष्ठ नेता, किसी से अकेले में पूछो आप, अकेले में पूछो, बिना कैमरे के पूछो, दिग्विजय सिंह जी से पूछो, आनंद शर्मा जी से पूछो, हुड्डा जी से पूछो, कमलनाथ जी से पूछो, पूछो शशि थरूर जी से पूछो, पूछो सबसे, अकेले में पूछना। लेकिन वो खुद कहेंगे कि ये जो राहुल गांधी के साथ जो चंडाल चौकड़ी है इसने पार्टी को डुबो दिया, पार्टी को बर्बाद कर दिया, इसलिए कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जिसे गाली देते हैं उससे समझौता कर लेते हैं, जिसे समझौता करते हैं उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ये पार्टी नहीं है, मैंने कहा ना, ये तो लवर गट्टों की एक जमात बन गई है। प्रियंका गांधी को इस बार राजस्थान के चुनाव में बहुत कम बार देखा गया है, जम्मू कश्मीर भी अब तक नहीं गई है एक बार। देखिए, प्रियंका गांधी जी को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस के भीतर हो रही है। ये जब मैं कांग्रेस के साथ था तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया था,
और मैं आज भी ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय कोई नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोकप्रिय नेता है उनको मारने का काम किया जाता है, उनको ख़त्म करने का काम किया जाता है। और प्रियंका गांधी को ख़त्म करने का, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म करने की जो साजिश है वो कहीं बाहर नहीं हो रही है, कांग्रेस के भीतर हो रही है। उसी का परिणाम यह है कि उन्हें कांग्रेस का फेस नहीं बनाया जाता।